वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे हो गए और हम भी बहुत बढ़िया। तो जैसे हम पहुंचे थे शिमला, मैं और दीदी सिमरन दीदी के पास, तो दीदी का काम हो गया और मेरा काम भी हो गया, तो हम चले अब घर सरप्राइज देने दोनों। मैं तो ना, मेरे सरप्राइज तो ऐसे होता है कि डांट खा के मैं सरप्राइज देती हूँ। पहले मैं डांट खाती हूँ कि चल चुपचाप से घर आ, मैं कहा नहीं नहीं मैं नहीं आ रही, फिर शाम को मिल जाती हूँ वहाँ पे। और फिर वो सरप्राइज भी नहीं होता, घर वालों का रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल होता है, ऐसे लगता है भाई क्या बस गालियाँ खा लो। तो चलो अब हम चले, ठीक है सिमरन दी, मिलते हैं आपसे, बाय। पहुंच चुके डेली और डेली में करे बस का वेट, तो बस अभी तक आई नहीं, तो हमने सोचा था थोड़ी सी चाट पापड़ी खा ही जाए। मैं नहीं खाने वाली, मैं हूँ ना, मुझे हाँ। किसी के साथ की जरूरत नहीं। चलो अब जब बस आती है, बस में बैठे तब मिलते हैं। मुझे नहीं, सॉरी, हमें बस मिल चुकी है और चलो अब चले हम घर को। किसने बोला आपको? गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ नेरवा, और मैं क्यों आई हूँ एकदम से नेरवा अचानक से, तो वैसे मेरे घर में एक एंगेजमेंट है, किसकी है वो तो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन अभी बहुत सारे फंक्शंस है कंटिन्यू, तो फिर मैं आ गई। बाकी नमस्ते जी, और चलो तो अभी मैं जाती हूँ फटाफट, मम्मी से मिलता है, फिर तैयार होके फिर जाना है जहाँ वो पार्टी है। गाइस हम पहुँच चुके हैं रोम, और लो जी यहाँ पे सरप्राइज मिला भाभी को, आंचल दीदी ने दिया और मम्मी को भी, और यहाँ पे दोनों देखो। हाय मुझे गुगली मुगली, हाय, चल कौशु ये देखो जरा फोन ही पे होता है, हाय कर दो, देखो कौशु को तुम भी करो हाय, साक्ष भी कर रहा है, जल्दी जल्दी। अब तो दिखा लिया नाम ने इसका फेस हमारे, ये भी देखो अब मोटा मोटा हो रहा है। आओ इधर तो आओ बुआ, आओ तो जाओ, अरे आओ अपने नेल पेंट तो दिखाओ, अपने हैंडू दिखाओ, वाओ ये नहीं दूसरे हैंडू में, ये वाला है, इधर आओ, देख रहे हो, देख रहे हो इसके नेल पेंट। हमारे घर में लड़कियां नहीं है ना, तो इन लड़कों को ही अब लड़की बनने का शौक चला कह रहा है मन में ही। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम बेकरी। हेलो नमस्ते नमस्ते, ये देखना पीछे से दादी, ये देखना आवाज देते देते। मैं निकली अब ऐसे नहीं, ये मैंने कपड़े निकाले बाहर, वो भी डालने, बाय। पापा आ चुके हैं ना, तो हम तो जाने वाले थे। हेलो नमस्ते, आप कहाँ हैं? जैसे कहाँ से आए आप इधर से? चले फिर लेट हो गया बहुत ज्यादा, लेट हो गया बहुत है तुम लेट तो भाई हम तो बस वाले हैं, अंदर रखना। मम्मी तो आपको छोड़ने को बोले थे कि वो आते रहेंगे, खुद हम चलते आगे। तो गाइस आधी रात को मैं और मम्मी चले हैं और पापा को लेट हो जानी थी, तो हमने पापा को छोड़ दिया और अब मिलते हैं हम वहीं पे जहाँ हम जा रहे हैं, जिसके एंगेजमेंट में। गाइस हम इतने ज्यादा लेट है, इतने ज्यादा लेट है ना, जो लड़के वाले वो पहुंच भी चुके और हम अब पहुंच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट होगी। गाइस सब कैसे लगे हुए खाना वगैरह बनाने, और गैस भी पहुंच चुके हैं, आधे इधर है आधे इधर है, और ये सारे हमारे फैमिली वाले और आधे इधर अंदर है। चलो जाओ गाइस, यहाँ पे सारे मेरे ताई जी और ताई जी की बेटी वगैरह बेटियाँ। हाय, ये सिर्फ हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स है जो मैंने अभी तक दिखाए। लोग बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे को यहाँ से बाहर ही जाना पड़ेगा क्योंकि जगह ही नहीं है। चिल्लर पार्टी भी बहुत है। इसलिए जिनकी आज एंगेजमेंट है, ये मेरे ताऊ जी की बेटी, हम आए इनके एंगेजमेंट में। तो हमारे फंक्शन में पता क्या होता है कि जो भी लड़के हैं ना वो यही करते हैं सारी सर्विस वगैरह, ये चाय पानी ये सारी सेवा। और हमारे लड़के नहीं है, मैं भाई हूँ।
क्या बोला? ये हमारी लड़की हो रही है तैयार। इनकी हेयर्स हो रहे कल। अभी हम जा रहे ये दाऊ जी जिनकी बेटी की एंगेजमेंट है, तो अभी हम जा रहे लड़की का सामान लेने लड़के के पास। तो चलो यहाँ पे हो रहा है अरेंजमेंट। हमारी हालत आए हम खाली थाली लेके वापस दे गए आपको। चलो अब चले। 500 ओहो कम रखे, ये ज्यादा रखने ये रख लो। फायदा हो गया हमारा उनसे पैसे लेने का, भाइयों से हमारे को डबल मिल गया। और बाकी ये दुल्हन के लिए मेहंदी मिठाई वगैरह। तो चलो अब देते हैं फटाफट इनको। तो गाइस रोजी दीदी की ननंद वगैरह आ गए इनसे मिलने, इनसे वेट नहीं किया गया अपनी भाभी को देखने का। तो गाइस हम आ चुके हैं डिनर करने और अभी बैठे हम सब वैष्णो लोग, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं सारे। मेरी अरे परे चिल्लर पार्टी है ये हमारे भाई लोग सभी। अच्छा सिड्डू वगैरह बनाए। हाय पसीना देखो पसीना। मैं कैसे पूछ रहे आधा देना आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओ जी थोड़ा सा देना, थोड़ा सा देना बस। थैंक यू जी। ये हमारा सिड्डू, घी भी आने वाला है। क्या बोलना? ये है चुन्नू भाई हमारे। और सिड्डू अब हम इसको खाते हैं, फिर उसके बाद राजमा चावल भी है वो मैं बाद में लूंगी, तो खाने के बाद मिलते हैं। गाइस आ चुके हैं डिनर करके, अब यहाँ पे फिर से वैष्णो के लिए सिड्डू वगैरह लिए जा रहे हैं। ए सीरियस नहीं होना एकदम से। तो गाइस मैं इनको इनकी वीडियोस दिखा रही थी, बोलते आधे बोलते कि मैं तो यही डालूंगी। ये बोलते हमारे मंडरों के दिखा रहे क्या। अब मैं इनके फेस दिखा रही हूँ। देखो हमारी चाचिया, तीन चाचिया, बाकी दो मेरी मम्मिया। ये लो जी हमारे आ चुकी है ब्राइडल तैयार होके। इन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि ये मुहूर्त है 2 बजे का, तो अभी से लेकर क्या करेंगे, तो इसलिए इन्होंने ड्रेस भी चेंज कर दी और खाना खुना खा रहे सब। तो 2 बजे तक अभी हमको बैठना पड़ेगा, अभी तो 10 भी नहीं बजे है, पता नहीं कैसे हम टाइम काटेंगे। गाने गुने लगेंगे और चलो तो मिलते हैं आगे, देखते क्या होता है इसके बाद। लो जी पापा वगैरह भी आ गए डिनर करके। सारे हमारा परिवार कितना बड़ा ऐसा है ना, फुल सारे कमरे भरे हुए हर एक चीज, फिर भी बार बार यहाँ पे फोटोशूट चला हुआ है, तो मुझे पता ही नहीं था फोटोशूट नहीं चला। मेहंदी लग रही है इस रोजी दी ने जीजू को भगा दिया है कि कपड़े चेंज करके आओ ताकि अलग अलग फोटोज आएगी फिर। मैं बता रही हूँ, देखो अपने पति पे रो जमा रहे, चल जा कपड़े बदल के। जीजू वापस कपड़े बदल के अभी फोटो शूट ही चला है क्योंकि अभी कुछ तो होना नहीं है 2 बजे तक, तो फिर टाइम कैसे काटेंगे।
देख रहे हो इनको पोज सिखाए जा रहे हैं कैसे कैसे करने। शर्मा रही हमारी दुल्हन। वही ना, सब कैसे देखते हैं यार। देख रहे ये सब लोगों को मेहंदी लगाने लगे हैं, सबको मेहंदी लग रही है, ये मेहंदी लगाई जा रही है यहाँ। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे लड़कों के पास मेहंदी लगाने, मेरे को आती तो है नहीं बट यहाँ पे लगे हुए, ये हमारे लाड़ा जी को लग रही है मेहंदी। और एक तो पीछे बैठे गाइस, अब हम लोगों ने मेहंदी लगा दी है सबको, 11 जने थे ये लोग और सारे के हाथों में दिखाओ तो देखो, और ये भी सब ने अपने हाथों में दिखा रहे हैं मेहंदी, दिखाओगे? देखो 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 गाइस, सब ने लगाई है, दिखाओ तो मेहंदी, देखो सबके हाथों में लगाई हमने, किसी को सुखा नहीं भेजा। किसकी दिखाऊं मैं? लाड़ी की दिखाती हूं, ये लाड़ा की, ये देखो अपनी बढ़िया मेहंदी दिखा रहे, मैंने लगाई। देखो इतने सबको लगाई हमने, अब हम कर रहे हैं किसका वेट, पैसों का वेट। अभी ये पता नहीं कितने देंगे हमारे को, देखते हैं जरा, फिर आपको भी बताएंगे हम। फिर अभी सब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कि तुमने 11,000 कम बोले कि तो बनता है कि अब चेक ही दे दो। यार ये हमारी मेहंदी के रेट बता रहे, आधे 5 रुपए वाले, आधे 10, सॉरी की तो 2 ही रुपए में। लड़कियों ने इतना तंग कर दिया, मैं तो सुसाइड करने के। इनको डर है कि सबसे ज्यादा मेरे लग गया तो उठ गया। तो वही आप लोग टोटल जोड़ के ही दे दो चाय। देख रहे हो गाइस क्या कर रहे हैं ये यार, हमारे को पैसे नहीं दे रहे। पंडित जी तो है सो रहे हैं, दो बिंदे ये देना, 2.5 रुपए हम दो दो क्या। नहीं लेते कॉइन का जमाना गया, नोट चाहिए, नोट चाहिए, नोट 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 ना, नोट वाले हम जब, ये डॉलर है ये नहीं लेते हम, चिल्लर का, चिल्लर का जमाना गया देना। देखो तुझे 5 रुपए देने का, वो भी कितना सदियों पुराना, इस अब कुछ सोच रही है हमारे को देने का। निकाल दिए तीनों ने 5,000 इनका तो हम मान गए बट आपका तो बनता ही है, ये देखो तो, ये देखो तो। ए
बेटे आगू आप जाओ जाओ आप जाओ आप जाओ। तो गाइस बड़ी मुश्किल से हमारे को 1500 आई गए हमारे जेब में। तो फाइनली हम कैश लेके धन्यवाद हम तीनों को 500 रुपए मिल गए। दिहाड़ी होगी हमारी पूरी। हाँ खुश है ज्यादा लालच। थैंक यू। अब नहीं जानते हम आप लोगों को से आ गए। और ये देखो जरा यहाँ पे भी नहीं कोई भी नहीं सोया हुआ, सब बैठे हुए और मेहंदी लगाने लगे हुए। जब 1:30 बज चुका है अब चले हमारे ये तैयार होने। और अब 2 बजे है ना मुहूर्त, तो अब सब तैयार हो रहे हैं। फिर हो चुकी है और अभी दूल्हा ही पहुंचा है। अभी इनकी पूजा होगी, फिर उसके बाद दुल्हन आएगी, फिर दोनों की साथ में पूजा शायद कुछ ऐसा होगा, बाकी मुझे नहीं पता। हमारी ब्राइडल आ चुकी है। लो जी तो अब दोनों की पूजा स्टार्ट। ये पूजा और लोग इतने ज्यादा है ना कि एडजस्ट करना टफ हो रहा है। आधे तो खड़े ही है। कैसे कैसे एडजस्ट करा जा रहा है। फाइनली अब पूजा खत्म और अब मेरे आएगी आएगी ये भैया। पूजा खत्म, अब आई रिंग पहनाने की बारी। इस बारी रिंग पहनाने की। थोड़ा लाइट के लिए माफ करना। पाड़ो यार। वो मीठा मीठा मुंह मीठा हो रहा है। क्या कह रहे हो आप? हमारे जैसे कैमरामैन ठीक है ना पीछे बैठ के? तो गाइस अब इनको लग रहा है स्वाग, रिंग सेरेमनी हो गई है। तो इन्होंने आपस में रिंग एक्सचेंज कर दी। अब हमारा होता है कि जिनका नाम आया होता है ना स्वाग उनका, फिर वो स्वाग लगाते हैं। उनको दिख नहीं रहा पर देखो जी पीछे फोन का उजाला लगा के बैठे हैं। जब औरों ने तालियां बजाई तब लगा। जो स्वागत इनका नाम आया होता है फिर उनको सूट भी देते हैं लड़के वाले। ये रोज दीदी के ससुर जी और ये जेठ जी। स्वागन को जिनका नाम आया अक्षर आया था। तो अब आई ताई जी और ताऊ जी दे रहे हैं अपने ज्वाई को। ये भगवान अब आए मेरे आगे ये
गाइस मिठाई बांट दी गई है, अब ये फ्रूट्स मिले और ये अब आगे लक्की ब्याह दे रहे रोजी को कुछ गिफ्ट, वो पता नहीं है क्या दे रहे हैं। ये फैमिली फोटो हो रही है, दो नंदे कैमरा जल्दी, मैंने कम किया ब्राइटनेस। इस दलहाना वगैरह ये हो गया खत्म, अब चले गए जल बाहर रखने। अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी पता नहीं क्या होना, वो नहीं मेरे को पता, तो हम तो जा रहे हैं अब सोने। सब अब दिले सोने की जगह ढूंढ रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है गेस्ट। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, कलो बाय बाय।